अस्सलामु अलैकुम आदाब, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद इकबाल 27। दोस्तों आज मुझे जाना है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, और मुझे चढ़ना है इधर ऊपर, जो ये जंगल दिखाई दे रहा है आपको। वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो फाइनली तो लगभग मैंने आधा रास्ता तो तय कर लिया है, क्योंकि अब मुझे चढ़ाई चढ़नी है। ये आप चढ़ाई देख सकते हैं, इसी रास्ते से मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि वीडियो को बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि अगर आज मुझे गुच्छी मिलेगी तो सबसे पहले यह चढ़ाई एंड तक मुझे मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, यही रास्ता है ऊपर के लिए। तो हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग होते थे, वो अक्सर ये जो हमारी लैंग्वेज में उसको गुलनफिस पोश बोलते हैं, तो ये अक्सर वो जमा करके लाते थे, नमकीन चाय में डालते थे। तो हमारे दादा अक्सर ये काम किया करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। फिर हमें भी पिलाते थे, बड़ा मज़ा आता था उस चाय में। क्योंकि ये चीज़ें हमने छोड़ दी तो ये बीमारियाँ भी पैदा होगी। यहाँ पर बहुत आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लगे हुए थोड़े थोड़े, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली तो मैं एक जगह यहाँ पर पहुँचा है, ताकि यहाँ का भी व्यू मैं आपको दिखाऊँ। ये बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है, और ये चढ़ाई है। और मैं आया उस गांव से, जो आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। इस गांव से मैं आया, और जो ये रास्ता है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मुझे मिलेगा रास्ता ये, जो थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन उसके बाद मुझे और चढ़ाई क्रॉस करनी है। ये आप देख सकते हैं, इन पहाड़ों से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और ये चढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक, अगर पैर फिसल गया खैर इंसान की नहीं होगी। ये आप देख सकते ख़तरनाक रास्ता, यहाँ से सावधानी से चलना पड़ेगा मुझे। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहे, वीडियो को बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर मुझे गुच्छी मिल गई आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ से गुच्छी स्टार्ट होती है, यहाँ पर भी गुच्छियाँ होती थी, लेकिन इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। और ये आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे जो ये जूता है निकालना पड़ा है। ये आप जूता देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ पैर फिसलता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ख़तरनाक। और नीचे आप ये खाई देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक है, अगर कोई यहाँ से गिरेगा उसकी खैर नहीं होगी। सीधे नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ रुकेगा, अगर यहाँ से गिर गया तो। अब मैंने जो ये जूता निकाला है, क्योंकि यहाँ से पैर फिसलता है, ये स्लिप करता है जूता। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, पूरा देख सकते हैं। लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे गुच्छी ढूंढते ढूंढते, गुच्छी यहाँ पर बनती रहती है, लेकिन इस वक्त कोई गुच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो जो ये गुच्छी है ये किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, हर एक को गुच्छी नहीं मिलती है। तो और मैं चाहता हूँ अगर मुझे आज गुच्छी मिली, जो मेरा व्लॉग है ये ज़बरदस्त व्लॉग बनेगा फिर मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा, अगर मिलेगी तो मेरे लिए भी ये फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं अगर गुच्छी मिलेगी। तो यहाँ से पर साल मुझे बहुत सारी गुच्छियाँ मिली थी, लेकिन आज नहीं है। ये पूरा आप देख सकते हैं, कोई गुच्छी दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त। और फाइनली जो ख़तरनाक रास्ता था वो मैंने तय कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इधर प्लान है, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से आया था और कितना ख़तरनाक रास्ता था वो। इसी रास्ते से मैं आया था, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है। यहाँ से मुझे लगभग यहाँ पर तक 2 घंटे लगे, लेकिन अभी कोई गुच्छी नहीं मिली।
वीडियो में आप आखिर तक बने रहे, ये आप खूबसूरत जंगल देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर गुशियाँ होती है और ऊंचाई चढ़नी है मुझे, लेकिन इस रास्ते से मैं अब नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा इस रास्ते से, ये थोड़ा सा प्लेन है। वीडियो में आप आखिर तक बने रहे, वीडियो को बड़ा मज़ा आने वाला है। इतना खूबसूरत रास्ता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं मुझे होगी। ये मेरे लिए रास्ता आसान है, और वो ख़तरनाक रास्ता है, वहाँ से चलना बड़ा मुश्किल है। ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, ये बिल्कुल प्लेन है, आराम से इंसान चल सकता है इधर ऊपर के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी ये बस्ती मुझे मिल गई है, मुझे कुछ सुकून आ गया, क्योंकि वहाँ से मुझे बड़ा डर लगता था। और ये बस्ती, ये पूरा अंधेरा आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो प्यारा सा व्यू स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ये रोड नीचे जो आप देख सकते हैं, वीडियो में आप आखिर तक बने रहे, देख सकते हैं यहाँ का व्यू, चेक कर सकते हैं। और जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस टाइम हम 4 बजे के बाद जब आते थे यहाँ पर मुझे हमें सारी बहुत सारी गुच्छियाँ मिलती थी, और मज़ा आता था ढूंढने में। लगभग 20-25 स्कूल के लड़के हम यहाँ पर आते थे, गुच्छियाँ मिलती थी हमें, लेकिन आज नहीं मिलती है। खैर, उस टाइम मेरा YouTube चैनल नहीं था, तब मोबाइल का दौर भी नहीं था, आज मोबाइल का दौर है और गुच्छियाँ भी गायब हो गई, अब गुच्छियाँ नहीं मिलती है। अगर गुच्छियाँ ढूंढनी होगी, कहीं दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पर गुच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलती। अगर होगी कहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर अब बस्ती आ गई है, तो वहाँ पर वो जाते हैं, उनको मिलती है जल्दी जल्दी, वो निकाल लेते हैं उनको। लेकिन किस्मत जिसको होंगी, उसके बाद भी गुच्छियाँ मिलती रहती है, ऐसी बात नहीं है। वीडियो में आप आखिर तक बने रहे। अब मुझे ये जंगल, पूरा जंगल ही जंगल है, ये यही जंगल का मुझे सफ़र करना है। रमज़ान का महीना भी है, ये आप देख सकते हैं पूरा ही जंगल है। अब लगभग 10 साल पहले यहाँ पर मुझे लगभग 75 गुच्छियाँ मिली थी। 10 साल पहले मेरे साथ सिस्टर भी थी, और यहाँ पर मुझे मिली थी वो गुच्छियाँ। तो आज नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रही है वो गुच्छियाँ। लगभग 2.5 घंटे का सफ़र मैंने किया है, ये आप जंगल पूरा देख सकते हैं, जंगल ही जंगल है ये। और नीचे का जो नीचे जो बस्ती है, वहाँ से मैं आया, ये लगभग 2.5 घंटे का सफ़र है। और ऊपर पहाड़ियों पर भी बस्ती है, ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि गुच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा काम है ढूंढना। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर 75 गुच्छियाँ इसी जगह मुझे मिली थी, लेकिन इस साल कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों, इधर से ऊपर मुझे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है। अगर मैं ज़्यादा देर ऊपर चढ़ूँगा, फिर प्यास लगेगी, रोज़ा भी है। दोस्तों, आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।